और ये लिंक आप लोग याद रखेंगे, ये क्या है, www.compjets.com, इस पर ये डाउनलोड हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। फाइनली यहाँ पे जो दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ से ही डाउनलोड होगा, इस पे क्लिक करेंगे। ओके हो गया, फाइनली इसको क्लोज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। माय कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड सेक्शन में आते हैं, इस टूल पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट हियर कर लेते हैं। एक यहाँ पे नया टूल ओपन हो जाएगा और फाइनल देखो इसका यूज कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, आपके पास एक इमेज होनी चाहिए जिसके अंदर आप टेक्स्ट फाइल को रखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, माई पास ऐसे करके, और इसके अंदर कोई भी मैटर आप जितना लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इसको सेव किया, क्लोज कर दिया। ये टेक्स्ट फाइल हमें क्या करना है, किसी इमेज के थ्रू कहीं पे ट्रांसफर करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड एक पिक्चर ले लूंगा, कोई भी पिक्चर आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ से ये पिक्चर ले लेता हूँ और इसको एडिट कर लेता हूँ पेंट के साथ, और जस्ट इसको सेव कर लेना है आपको .bmp, है ना, इसके अंदर। और मैं डेस्कटॉप पे डिजर्ट नेम से क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। क्लियर हो गया ये। एक कोई भी पिक्चर लेकर आप .bmp के एक्सटेंशन में वर्क करेगा ये। फाइनल इतना हो जाने के बाद इस टूल्स को ओपन करेंगे एंड एस टूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रन कर लेंगे। रन करने के बाद जस्ट कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद इस इमेज को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, हेलो, क्लियर हो रहा है ना? हो रहा है, हो रहा है। ओके, अब इस इमेज को यहाँ पे रखने के बाद फाइनल जैसे ही आप यहाँ पे देखो राइट क्लिक करते हो, सेव एज, प्रॉपर्टी, रिवील, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये जो इमेज है कहीं ना कहीं ये इस टूल के थ्रू क्या कर रहा है, एक कंटेनर का काम करेगा। जस्ट यहाँ से टेक्स्ट फाइल को इसके अंदर ड्रॉप करना है और एक पासवर्ड पूछेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इसको ओपन कर लेगा, जो जिसको पासवर्ड आप देंगे वही कर भी पाएगा, अगर कोई जान जान भी जाएगा तो। एंड जस्ट यहाँ से ये याद रहे कि आपका किस एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज किया गया है, अदरवाइज उधर डिक्रिप्ट नहीं होगा। और यहाँ से एक नया हिडन फाइल आपका जनरेट होगा, जस्ट इस पे आ जाएं, सेव करें। और ये हिडन करके एक फाइल है, इसको एज इट इज मैं पहले सेव करता हूँ। देखो दो चीजें हैं, एक मैं एक्सटेंशन लगा के सेव करता हूँ, एक एज इट इज मैं रहने देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आपका एक हिडन करके फाइल सेव हुआ, क्या ये विजिबल है, लग रहा है किसी को, कोई फोटो है ये? नहीं ना? तो मैंने क्या बताया, .bmp का एक एक्सटेंशन देंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से सेव करता हूँ एंड मैं यहाँ पे .bmp और इसको मैंने कर दिया सेव। अभी यहाँ पे देखो एक इमेज बन के आ गया, ये मैंने हटा दिया, ये इमेज आ गया। अब इस इमेज को कोई खोल कर देखेगा, जूम करके देखे, या चाहे जैसे भी, इसको लगेगा कि हाँ ये तो एक इमेज है ना। इस पे राइट क्लिक करके कहीं पर भी, कोई ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन दिख जाए जो कुछ भी है। बट अगर आप यहाँ पे एस टूल दोबारा से यूज करते हैं और इस इमेज को यहाँ पे ओपन करते हैं और इस हिडन फाइल पे राइट क्लिक करके रिवील करते हैं और पासवर्ड दे देते हैं, लाइक 123, और 123 मैंने दिया है जस्ट, ओके, तो एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे जनरेट होके आएगा। अब ये वाली टेक्स्ट फाइल डिलीट कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखिए यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से भी डिलीट कर दिया, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। राइट क्लिक करिए, सेव करिए। और इस टेक्स्ट फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, मान लिया मैं दोबारा से डेस्कटॉप पे माई पास करके सेव करना चाहता हूँ, आ गया, इसके अंदर मैटर भी रहेगा। ओके, तो ये जितनी बड़ी आपकी फाइल है जैसे भी है उस तरीके का ये कंटेनर की तरह काम करेगा। समझ में आया? तो ये इंफॉर्मेशन हो जाती है आपका एस टूल के थ्रू स्टेगनोग्राफी प्रोसेस। तो इस तरीके से भी होता है, किसी भी इमेज और किसी भी मीडिया फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं, काम करते हैं, तो मैं भी बैकग्राउंड में कोई स्क्रिप्ट रन हो रही हो, है ना, तो चाहे आप पिक्चर देख रहे हैं है ना पायरेटेड डाउनलोड करके, और उधर बैकग्राउंड में कैमरा एक्सेस चल रहा है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक ऑनलाइन टूल्स, आई थिंक आ जाता है इससे। ये क्या है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए एक वेबसाइट है। अगर क्रिप्टोग्राफी समझना है,
आपको अगर सिस्को राउटर्स वगैरह पड़े होंगे तो वहाँ पे लाइव आप देख सकते हैं इंक्रिप्शन सिस्टम कैसे काम करता है, RSA इंक्रिप्शन कैसे काम करता है, सारी चीजें देख सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं तो उनको इंक्रिप्शन के बारे में प्रॉपर तरीके से पता होगा कैसे करना है। नहीं पता तो एक बार आप हमारे उस पे जाकर देख सकते हैं। SSH का तो वीडियो यूट्यूब ने हटा दिया, मैंने डायरेक्ट उस पे एक अटैक करके वो दिखाया था, तो कुछ भी ऐसा अपलोड नहीं कर सकते वहां पे, सारी चीजें तुरंत हो जाती हैं और चैनल रिस्की चल रहा है इस समय। तो अभी यहाँ पे मैं दिखाऊं, बहुत सारे ऐसे इंक्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स्ट बाइनरी, MD5 जनरेटर, SHA-1 जनरेटर, है ना, बाकी इंक्रिप्शन यहाँ पे दिया। टेक्स्ट इंक्रिप्शन है यहाँ पे देख सकते हो, एक टेक्स्ट मैंने लिखा, हेलो दिस इज माई पासवर्ड 123, और इसको आपने इंक्रिप्ट किया और ये अपने फ्रेंड को ये वैल्यू उठा के मेल कर दिया। मेल करने के बाद जब वो रिसीव करेगा तो उसको बोलो कि ये वाले वेबसाइट पे जाओ, या कोई भी ऐसे वेबसाइट पे जहां पे ये कौन सा इंक्रिप्शन यूज कर रहा है। इंक्रिप्शन पहले आपको देखना पड़ेगा और इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आप डिक्रिप्ट करने के लिए इंक्रिप्शन कोड को डालेगा वो, एंड जस्ट यहाँ पे देखेगा तो उसको बता देगा कि हाँ इस कोड का ये मतलब है। ये भी एक तरीका है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंक्रिप्शन प्रोसेस दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। रैंडम पासवर्ड जनरेटर दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम 30 का लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर 5 डिजिट का एक पासवर्ड जनरेट करना चाहता हूँ, 5। एंड अब यहाँ पे कह रहा है वीक है स्ट्रांग, तो ये आपका एक 5 डिजिट का स्ट्रांग पासवर्ड है। आप यहां से चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं व्हाट इज माय आईपी, ये सब क्लिक नहीं करना है, जा सकते हैं आप देख सकते हैं। कुछ ही चीजें आप देखेंगे, व्हाट इज माय आईपी वगैरह इस वेबसाइट पे एक्सेस देने की और इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आया इंक्रिप्शन सिस्टम या क्रिप्टोलॉजी सिस्टम ये वर्क करता है। राउटिंग स्विचिंग जो उनको पता होगा, जैसे राउटर सीसीएन ने आप में से किया हुआ है कुछ लोगों ने, तो उनको पता होगा कि कैसे हम रिप इनेबल करते हैं, तो इंक्रिप्शन कैसे HDLC का लगता है, या हम फ्रेम रिले इनकैप्सुलेशन कैसे लगाते हैं पैकेटाइजेशन के लिए, SHA का कैसे इनेबल करते हैं, है ना, या नॉर्मल कोड को इनक्रिप्टेड कैसे वैल्यू वॉल्यूम में चेंज करते हैं, प्लस उसमें और भी चीजें थी, PPP ऑथेंटिकेशन, AAA ऑथेंटिकेशन, TACACS का टैगिंग कर लेते हैं, है ना, प्लस रेडियस के अंदर भी हम लोग यूजर नेम पासवर्ड के साथ WPA, अभी मैंने हाल ही में कुछ समझाया ऐसा, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे तरीके से इंक्रिप्शन मतलब ही यही होता है कि आपकी नॉर्मल वैल्यू एक कोडेड वैल्यू में क्या हो रही है,